तो रोजा के हाथ में कैमरा है, अच्छे सा वीडियो बनेगा इसलिए नहीं पाता है। सर फोन देकर साहब, मतलब बाहर से आके बैठा क्या? लोग डर के, मतलब यहाँ पर मैं 15-20 मिनट में पहुँचा, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आधा घंटा लगा। इससे पहले का एक वीडियो बना है, मतलब एक परिवार रहता था, मैं 1 घंटे के बाद गया, साहब आराम से मिला और घर में नाग था, लेकिन वो डरे नहीं थे। यहाँ पर बहुत डरने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए आधा घंटा लगा और साहब मुश्किल जगह पर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग डर जाते तो 2-3 बातें हो सकती है, क्योंकि डर के साहब को मारते हैं, ये भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि मैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पर था, तो गाड़ी भी तेज चलानी पड़ती है, वो भी खतरा रहता है। और यहाँ पर साहब 5 मिनट में भी जा सकता है, 1 घंटा भी बैठ सकता है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पर रहने वालों को डरना नहीं चाहिए। हम आने तक वो इधर जो कुछ ज़रूरी होता है वो हम बातें करते या पूछते हैं, वो बात भी बहुत मायने रखती है। सांप पकड़ने के लिए सिर्फ आके सांप पकड़ते हैं और आप वीडियो बनता है, ये ज़रूर नहीं है, बल्कि उसकी जानकारी लेना, मतलब डर दूर करना है। और आपको बात समझना ज़रूरी है, घर में सांप आया, किधर भी सांप आया, तो उसके बारे में सांप पकड़ने वालों को सही से जानकारी देके उनको बुला के उसको बचाना है। तो सांप पकड़ने वालों से भी यहाँ पर रहने वाले देखने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखते हैं कैसे पकड़ पाते हैं हम। इस तरह से गुस्से वाला शांत है, नज़दीक आओ रोजा। शांत शांत। हाँ सर, सर सर भी हो रहा है ना, दिख रहा है। छोड़ो ये देखो, इतना नज़दीक जाके पहुँचते उसके। अरे इसको ये के झुम के तुमने डरा हुआ है, और उसको शायद खतरा नहीं, बाहर खतरा लगा और इधर सुरक्षित लगा होगा, नहीं तो ये रुकने की जगह नहीं है। वैसे तो भागने के लिए बैठा तो 1 मिनट में भी भाग सकता है, सांपों का कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये सिचुएशन बहुत मायने रखती है। अभी आराम से उसको पकड़ लेंगे। मेरे गांव में मैं सांप पकड़ने गया था, जहाँ पर मैं 18 साल रहता हूँ, और बहुत सारे सांप पकड़ते उन्होंने देखे। सांप पकड़कर सिर्फ तालियां बतोरना या शाबाशी या हमारी हिम्मत या डेरिंग की बात, ये बात हमें लोगों से ये उम्मीद नहीं है, बल्कि हमारी बातों से कुछ परिवर्तन होने वाला है और लोगों में वो जाके बैठे, हम ऐसा चाहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सांप कुछ ही नहीं करता जाके पकड़ो, ये भी गलत है, लेकिन आप जितना डरते हो उतना डरना ज़रूरी नहीं है। और सांप पकड़ने के लिए पकड़ने वालों के साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और सही में से जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तो आसानी से उसका फ़ोटो निकाल के मुझे भेज सकते थे, ये ऐसा बोल रहे थे कि फ़ोटो ही नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है, इतना डरे हुए थे इन्होंने आधा घंटा डिसीजन लेने के लिए। ये मैं लोगों का बता रहा हूँ, आप भी डर के यही हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। तो मैं आया 20 मिनट में, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आधा घंटा लगा। एक तो गाड़ी पर बैठने तक हमें बहुत सारे सवाल पूछने पड़ते हैं, क्योंकि 99% लोग डर से हमें फ़ोन करते हैं, सांप है तो डर लगता है बोलते हैं, लेकिन वो हमें प्रॉब्लम आ जाता है। सांप कौन सा है क्या ये पता करने से ज़्यादा, सांप कितना भी खतरनाक जहरीला क्यों ना हो, उसकी एक लिमिट रहती है। और ठंडा दिमाग रख के सांप आपको बचाना है, तो उसके बारे में सांप पकड़ने वालों को जब आप बुलाते हैं तो उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ वीडियो में सांप पकड़ने वाले देखते हैं, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा, हमें तो लोगों से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि सांप कुछ करता है नहीं करता है उससे भी ज़्यादा, गाड़ी तो तेज चलानी पड़ती है, लेकिन लोग डर के 99% गलत जानकारी देते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम से इसमें जाना पड़ता है। आपको तो सिर्फ सांप खतरनाक लगता है, तो यहाँ पर आए फिर भी उन्होंने नहीं मारा, ये भी अच्छी बात है, इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सांप भी, मतलब ये जाने वाली रस्ते जगह पर था, लेकिन ये रुका और ये पकड़ा, इसलिए इनका डर दूर कर सका और आप वीडियो बन सका और इसकी जानकारी दे पाए। तकरीबन 5-6 साल का सांप हो सकता है, 7.5 फीट लंबा ये सांप है, धामन जाति का है, जो बिल्कुल बिन विषैला होता है, इससे कोई खतरा नहीं होता है, ये रहने से उल्टा चूहे ज़्यादा खाता है, इंसान को खतरा नहीं, चूहे ख़त्म करेगा तो हो सकता है जहरीला सांप भी जो कम हो जाए, तो ये बात बहुत मायने रखती है और ये समझना ज़रूरी है। और आप हमारी वीडियो देखते हैं तो
इन सांपों से डरिए मत, मारिए मत, और आपको आप डर के मरिए मत। ये बोध भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन इन लोगों का शुक्रिया, रोज़ा रही इसलिए वीडियो अच्छा बन पाया, उसका शुक्रिया। और सांपों को बचाने का, डर दूर करने का आगे सफर जारी है, लेकिन आप कीमती वक्त देते हैं, हमारे साथ बने रहते, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद।